रिहर्सल करती हूँ जिससे एकदम परफेक्शन आ जाए मेरे परफॉर्मेंस में और जजेस मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे। मैं ये चाहती हूँ। जो सब बच्चे जो करते हैं मुझे वो फॉर्म भी बहुत पसंद है, तो मुझे वो सारे फॉर्म सीखने। नोरा मैम का हिप हॉप जो वो करते हैं एफ्रो वो भी पसंद है और बेली डांसिंग भी पसंद है उनका। तो हाय अंशिका, हाउ आर यू? हेलो दीदी, आप कैसे हो? मैं मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? भी बहुत बढ़िया। सो टॉप 15 में आ गई हो, तो एक्साइटमेंट कितना बढ़ गया है आपके लिए? पहले तो मैं टॉप 15 में पहली बार आई हूँ, तो मेहनत भी बहुत हो रही है पर मजा भी आ रहा है रह के सबके साथ। जी, पर टफ भी होता जाएगा कंपटीशन, बिकॉज कई सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स भी हैं जो टफ कंपटीशन देने वाले हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रही मैं बहुत मेहनत करती हूँ और हर स्टेप को 10 बार रिहर्सल करती हूँ जिससे एकदम परफेक्शन आ जाए मेरे परफॉर्मेंस में और जजेस मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे। मैं ये चाहती हूँ। जी? सो आपने पर्सनली अपने डांसिंग की जर्नी कब से स्टार्ट की थी? कौन से एज से आपने स्टार्ट किया था डांसिंग को लेकर, और आपने कब से अपना ये पैशन मान लिया? बहुत ही ज्यादा छोटी थी, मुझे डांसिंग बहुत पसंद थी। जब मैं टीवी में देखती थी सबका डांसिंग तो जी मुझे भी लगता था कि हाँ मुझे भी करनी चाहिए। मुझे जब मैं कहीं पे भी देखती थी और मेरी दीदी भी छोटे में बहुत डांस करती थी तो मुझे पहले सिखाती थी, वहीं से मुझे मेरा पैशन बढ़ने लगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती रही, फिर अपना फॉर्म आ गया अपने अंदर। और जब आपने एक अपना यूनिक डांस फॉर्म स्टार्ट किया, नो आप जैसा डांस कोई नहीं कर सकता, काफी अलग डांस मूव करते हो, तो कौन आपको हेल्प करता है आपके इस डांसिंग स्टाइल्स को लेकर? कहाँ से आप सीखी हो ये सब डांसिंग स्टाइल और डांसिंग फॉर्म्स? ये तो पहले मेरी दीदी मुझे नॉर्मल क्लासिकल जैसे बेस होता है वो सिखाई थी, तो और अभी मुझे वो सब सीख के बहुत साल हो चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ा न्यू स्टाइल देख रही थी इंटरनेट पे तो मुझे लगा कि हाँ ये स्टाइल अच्छा है, तो मैं इसको धीरे धीरे कॉपी करने लगी, फिर अपने स्टेप्स उसमें डालने लगी तो अपना यूनिक फॉर्म बन गया। सो जब फर्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स ने देखा था, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स देखते थे, तो वो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट देते थे? मुझे कहते थे सब कि ये तो चलती फिरती रोबोट है। आपने सबके साथ डांस फॉर्म किया है अलग अलग, आपने अलग अलग डांस फॉर्म्स किया है, अलग अलग स्टाइल किया है, कौन सा एक डांस फॉर्म है जो आप यहाँ पे सीखना चाहते हो, ये डांस दीवाने की जर्नी में सीखना चाहते हो? तो मेरा पर्सनल जो फॉर्म है वो एनिमेशन है, पर जो सब बच्चे जो करते हैं मुझे वो फॉर्म भी बहुत पसंद है, तो मुझे वो सारे फॉर्म सीखने हैं जो सारे बच्चे करते हैं। जी, और आपको वैसे क्या लगता है कि कौन सा डांस फॉर्म काफी ही टफ होगा आपके लिए सीखना? ऐसा कोई डांस फॉर्म है जो आपको लगता है कि जो टफ है आपके लिए? देखो सारे डांस फॉर्म्स, कोई कोई डांस फॉर्म एकदम फ्लोरिंग होते हैं जैसे कंटेम्प्रेरी ब्रेकिंग, वो सब में थोड़ा टफ होंगी मेरे लिए, ओके, बाकी सब सो तो हो जाए। आपके लिए कौन सा लेवल काफी टफ था, ऑडिशन या टॉप 15 को क्रैक करना? उस दिन तो मतलब मैं ये सब कोरियोग्राफी अपने से क्रिएट कर रही थी, मेरे सर भी मुझे हेल्प कर रहे थे, तो उसको मैंने बहुत पॉलिश किया और कंट्रोलिंग को अपने बहुत परफेक्शन में लाई जिससे लगे कि हाँ ये रोबोट है। तो मैंने ये सब स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। उसके बाद जब मैंने ऑडिशन दिया बस मैंने अपनी दीदी मम्मी पापा का पैर छुआ, उसके बाद स्टार्ट हो गई तो सब ठीक हो गया। जी, लेकिन कभी कभी जब होता है कि नहीं मैं से ये नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे उस चीज को, उस डांस को क्रैक करते हो, कैसे उस चीज को सीखना करते हो, कितना चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है? जब कोई मेरे से स्टेप नहीं होता तो मैं आंख बंद करके 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करती हूँ, उसके बाद मैं उसको समझती हूँ कि हाँ इधर से ये जाना है इधर से ये जाना है, फिर मैं वो स्टेप करती हूँ, फिर उसको शार्प क्लीनिंग लाउड सब कुछ करती हूँ, उसके बाद आगे परफेक्ट हो जाते हैं। जी, और आपका फेवरेट जज कौन है? वैसे तो मुझे सारे जजेस अच्छे लगते हैं पर आप एक बोल रही हो तो वो नोरा मैम अच्छी लगती है। और नोरा मैम का कौन सा डांस फॉर्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ मुझे नोरा मैम का हिप हॉप जो वो करते हैं एफ्रो वो भी पसंद है और बेली डांसिंग भी पसंद है उनका। और
और गाना मुझे हाई गर्मी पसंद है। ओके सो अगर कोच की बात किया जाए तो आप अपने कोच के बारे में क्या बोलना चाहोगे, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है आपके कोच से? हाँ, वो जब मैं कुछ कुछ खराब करती हूँ स्टेप या फिर जो मुझे नहीं होता वो थोड़ा सा डांटते हैं, उसके बाद सारे स्टेप सही हो जाते हैं और क्लीन भी हो जाते हैं तभी साथ में। Yes. और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को अपने सर। ओके सो एक मैसेज हो जाए ऑडियंस के लिए। हाँ, कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और ऐसी सपोर्ट करते रहे, बहुत प्यार भी करते हैं ऐसी प्यार करते रहे और मुझे वोट भी करे जिससे मैं ये शो की विनर बनके ट्रॉफी को लेके जाऊं अपने घर। ओके थैंक यू अंशिका फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, बाय बाय बाय।